बारे में दुआ कर रहे हैं, और हमारी हालत ये है कि हमारा नफ्स इतना गंदा हो चुका, कोई दुआ नहीं। ऐसी कोई मशीन नहीं आज ईजाद हुई है कि जिसके जरिए से आप अपने नफ्स को निकाल करके आप खुद उसके अंदर चले जाएं, बाहर निकलें तो बड़े अच्छे आदमी बन के निकलेंगे। नहीं, ऐसी कोई मशीन इस दुनिया के अंदर याद नहीं हुई। अपने नफ्स की अगर आपने इसलाह कर ली, याद रखें गुनाहों से अपने आप को बचाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी आपको। तो दूसरा सबब जिसकी बिना पर हमारे भाई हजरात, हमारी बहनें जो गुनाह में मुलव्विस होती हैं, वो ये कहते कि कंट्रोल हो ही नहीं रहा है। कोई लड़की कहती कि फुला मेरा आशिक था, उसको बहुत भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, भूल नहीं रहा है। कोई लड़का कहता उसको डर ही नहीं अल्लाह के बारे में, या कोई लड़का कहता है मेरे महबूबा मुझे नहीं भूल रही है। तो ये नफ्स को काबू में ना रखने की वजह से आखिर का अंजाम यही होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने नफ्स की इस्लाह करें। ये सबबों में से दूसरा सबब नाज़रीन हमने आपके सामने जिक्र किया।